चार साल और पांच मौतें, सिनेमा के कपूर खानदान में आखिर क्यों छाए हैं मुसीबतों के ये बादल। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बॉलीवुड का बाबा के इस एपिसोड को लेकर। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक और बड़ा सदमा लगा। दिग्गज अभिनेता राजीव कपूर अब हम सब के बीच नहीं है। अभिनेता ऋषि कपूर के छोटे भाई 58 वर्षीय राजीव कपूर का निधन आज हार्ट अटैक की वजह से हो गया। आपको बता दें कि राजीव कपूर राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लोगों की पहचान में आए थे। राजीव कपूर के निधन के साथ ही कपूर परिवार ने पिछले चार सालों में कृष्णा राज कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुनंदा और अब राजीव कपूर जैसे एक के बाद एक पांच दिग्गज खो दिए। राजीव कपूर का निधन हार्ट अटैक से बताया जा रहा है। राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। राजीव कपूर ने आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले परदेश जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर एक्टर उनका करियर चल नहीं सका और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होती रहीं। राजीव कपूर ने बतौर डायरेक्टर 1996 में प्रेम ग्रंथ फिल्म बनाई, जबकि बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने 1999 में आ अब लौट चलें जैसी फिल्म बनाई। कपूर खानदान के सदस्य और राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर का निकनेम चिंपू था। राजीव का जन्म 25 अगस्त 1962 में मुंबई में हुआ था। राजीव कपूर न केवल एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से वो बॉलीवुड में लाइमलाइट में आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से रिश्तों में करवाहट आ गई थी। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म में लॉन्च किया। फिल्म तो हिट रही, लेकिन राजीव कपूर की वजह से नहीं बल्कि झरने के नीचे नहाती हुई मंदाकिनी की वजह से। जहाँ एक और फिल्म चर्चित हो रही थी, वहीं इस फिल्म के हीरो राजीव कपूर की अपने पिता से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर और राज कपूर में अनबन की नौबत तक बन गई। राम तेरी गंगा मैली सिर्फ राज कपूर और मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर ही रह गई। राजीव कपूर को इस फिल्म के हिट होने का कोई भी फायदा नहीं मिला। एक फिल्म के बाद से ही मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर वहीं के वहीं रह गए। राजीव कपूर का मानना था कि इसके लिए राज कपूर जिम्मेदार। दरअसल राजीव कपूर चाहते थे कि राज कपूर राम तेरी गंगा मैली के बाद उनके लिए एक और फिल्म बनाए और उन्हें इस फिल्म में एक नायक के तरह प्रोजेक्ट करें, ताकि स्टार होने का जो फायदा मंदाकिनी को मिला था वो उन्हें इस फिल्म में मिले। राजीव कपूर के चाहने के बावजूद राज कपूर ने ऐसा नहीं किया और राजीव कपूर को राज कपूर ने एक असिस्टेंट के तौर पर रखा। वो उनसे यूनिट का वह सारा काम कराते थे जो एक स्पॉट बॉय और असिस्टेंट कराता। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर लवर बॉय, अंगारे, जलजला, शुक्रिया, हम तो चले परदेश जैसी फिल्मों में दिखे तो, पर उनकी फिल्में चली नहीं। राजीव कपूर अपने पिता राज कपूर से इसी बात को लेकर चिढ़े थे कि वो उनको लेकर कोई फिल्म क्यों नहीं बना रहे। 9 फरवरी 2021 को 58 वर्ष की आयु में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से राजीव कपूर की मृत्यु हो गई। उन्हें उनके निवास के पास चेंबूर के इनलक्स अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन आगमन पर मृत घोषित कर दिया।